बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्फा कैटल फॉर्म पे। यहाँ पे इफ्तार पार्टी थी आज, इनवाइट किया था सारे हम सोशल मीडिया के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं भी हूँ, मानी भाई भी हैं। तो अब जो है यहाँ पे इनका जो इस साल का बकरीद 2021 का कलेक्शन है वो दिखा रहे हैं, तो आपको मैं इनकी रैंप वॉक वगैरह दिखाता हूँ। मानी भाई भी हैं, हो सकता है मानी भाई को भी वीडियो में ले लूँगा। बाकी ऑडियो क्वालिटी मुझे पता है अच्छी नहीं होगी, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैं वीडियो बनाने की तैयारी से नहीं आया था, लेकिन अब ये अपना माल शो करा रहे हैं तो हमने बोला बिस्मिल्लाह करते हैं मोबाइल से ही। ना माइक लगा हुआ है ना कैमरा है इस वक्त, तो क्वालिटी का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। चलें माल देखते हैं। माशाल्लाह भाई, ये देखें ये बछड़ा इनका, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मशहूर हुए हैं इन दो में से कोई एक बछड़ा है। नाम बेसिकली मुझे याद नहीं रहते जानवरों के, लेकिन ये है कि माशाल्लाह खूबसूरत कलेक्शन है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए बताइएगा कि भाई कैसी और किन किन कैटल फॉर्म्स की आप लोग वीडियोस इस सीज़न में देखना चाहते हैं। अब मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी ना इस सीज़न में, वो कोशिश करूँगा कि मिडिल क्लास की रेंज के जो कैटल फॉर्म्स हैं, या जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, इस रेंज के जहाँ पे लाख सवा लाख डेढ़ लाख तक की रेंज के माल है, ज़्यादातर ऐसे कैटल फॉर्म्स को फीचर करूँ। मेरी ज़्यादातर जो है ना प्रायोरिटी वो रहेगी, ताकि जो है देखने वाले सिर्फ वीडियो में देख के शौक़ नहीं करें बल्कि ख़रीद भी सकें माल को ना। ये देखिएगा माशाल्लाह भाई, बेहतरीन ब्यूटीज़ हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला नज़रें बद से बचाए। माशाल्लाह कमेंट ज़रूर करिएगा। और वो हमारे मानी भाई जो हैं वो अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं, एक के बाद एक आपको सारे इनके इंशाल्लाह मैं जानवर दिखाता हूँ। माशाल्लाह के कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करें या ना करें लेकिन दिल से ज़रूर बोलिएगा माशाल्लाह, ताकि अल्लाह ताला नज़रें बद से बचाए। बड़ी मेहनत होती है इस तरह के जानवर बनाने में पूरा पूरा साल। अच्छा, ऑडियो और वीडियो का भी मुझे बता दिएगा कि वैसे समझ में आई होप आ रही होगी, मैं इसलिए थोड़ा पीछे खड़ा हो रहा हूँ रश की जगह से, ताकि आप लोग को आवाज़ सही सुनाई दे। मानी भाई से ज़रा थोड़ी सी बातचीत करते हैं और रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये देखें एक साथ दो बंदों का लाइव कोलैब हो रहा है, उनकी भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मेरी भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, सेम बछड़ों का एक साथ। आप सुनाएं, हाँ, कैसे? मैं ठीक हूँ। ये बताएं जानवर कैसे लग रहे हैं आपको? माशाल्लाह अच्छे हैं। मैंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं, लेकिन एक नॉर्मल उसमें मुनासिब नॉर्मल जो जानवर होते हैं, नॉर्मल जानवर हैं, अच्छे नाप ज़्यादा में बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह अभी यही बोला कि और भी जो है यहाँ पर काफ़ी और हैं, अभी दिखाते हैं। गुलाबी में बच्चियाँ भी हैं माशाल्लाह, गुलाबी लवर्स के लिए भी यहाँ पर कैटेगरी मौजूद है। दोस्त इसको चलाना, इसको आगे से चला के लेकर आएं। बाकी इस सीज़न में जो है काफ़ी सारे इंशाल्लाह कैटल फॉर्म्स भी विज़िट करने हैं, और इसके अलावा मंडियाँ भी विज़िट करनी है। सोराबगुड़ और मलीर मंडी का तो कोशिश ये रहेगी कि नागा ना हो, बिला नागा, जिस तरह पिछले साल था इसी तरीके से क्या कहते हैं इस साल जो है वो हमने अपना पूरा करना है कॉन्टेंट आप लोगों के लिए। डेली अपडेट्स आएंगी सोराबगुड़ की भी और हर हफ्ते मलीर मंडी की भी। कोशिश कर ही रहा हूँ मैं दो हफ्ते से मलीर मंडी जाने की, लेकिन वही बात है ना कि अभी ज़रा रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मलीर मंडी की जो कवरेज है वो तो रेगुलर ही हो जाए। ये देखें भाई माशाल्लाह, अब अगले बछड़े आ जाएँ तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्यूटीज़ आ गई हैं, जिनमें एक नुकरा बछड़ा है और एक गुलाबी नाक में पांडा प्रिंट के अंदर बछड़ा है माशाल्लाह। यार हटवा लेना यार, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों ही बछड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, और अच्छी ब्यूटीज़ हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, यार एक चक्कर और लगा लो इनको ज़रा ना, हमने रैंप वॉक देखी नहीं असल में। वो देखो भाई क्या भाग रहा है माशाल्लाह से, नुकरा सही भाग रहा है। पहला साल है मेरे ख्याल से ये अल्फा के नाम से इनका, और उस हिसाब से जो है इन्होंने ब्यूटीज़ अच्छी रखी हैं माशाल्लाह। कलेक्शन इनके पास एक
यानी कि वाइड रेंज है कलेक्शन की, छोटा भी है, दरमियाना भी है और बड़ा भी है माशाल्लाह। खूबसूरत हैं बछड़े माशाल्लाह से। एक और बछड़ा आ रहा है गुलाबी नाक में और चश्मा है इसका ब्लैक एंड ब्राउन कलर का। कोहान इसका अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, कौन कौन से कैटल फॉर्म्स का माल देखने का आपको इंतज़ार है। देखें जो बड़े कैटल फॉर्म्स हैं उनका तो मैंने आपको माल डेल्फा में ही दिखा दिया, यानी कि फाइन हो गया, सूरती हो गया और दो चार और कैटल फॉर्म्स के आपको मैंने वहाँ डेल्फा में भरपूर दिखाए। अभी भी इनफैक्ट मेरे पास कुछ फुटेजेस पड़ी हुई हैं डेल्फा की, लेकिन वो उनके माल मैं पहले ही दिखा चुका हूँ तो इसलिए मैंने बोला रिपीटेड कॉन्टेंट हो जाएगा। खैर बहरहाल अब आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन से कैटल फॉर्म्स का अभी आप लोगों ने देखना है। आगे ढाका वाला कैटल फॉर्म का कलेक्शन आपको दिखाना है भरपूर तरीके से। इस साल जो है उनके पास माल है, खूबसूरत भी है, लो रेंज का भी है, मिडिल क्लास का भी है, सबका वो भी दिखाऊंगा। और एक दो कैटल फॉर्म्स और नए आ रहे हैं उनका भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। बस रमज़ान की ईद के बाद जो है सीज़न भरपूर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंट्स अच्छे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत प्रिंट्स हैं। ये बछड़ा भी जो है नाव झालर में भरपूर है और चुस्त बछड़ा है, ठोस बछड़ा है। गर्दन भी इसकी ना काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखें ना इसकी गर्दन बनी हुई है माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से, सीने के ऊपर भी, यानी कि जितनी झालर है वो भरपूर बन चुकी है, पूरी आगे से फुटबॉल निकलती हुई नज़र आ रही होगी सीने पे आपको। खूबसूरत है माशाल्लाह। चलें जी बछिया लवर्स रेडी हो जाएं। गुलाबी बछिया आ गई है चश्मे में, ओह एक और आ गई है ब्लैक, ब्लैक चश्मे में, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बहुत सारे दोस्त प्राइसिंग का बोलेंगे कि क्या इनकी प्राइसिंग है, तो देखें हम आपको माल डिस्प्ले करा रहे हैं, बाकी चीज़ें प्राइसिंग वगैरह और डिटेल्स आप लोग को पता होता है, सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल होते हैं, पेज भी है, सब कुछ है, तो आप उस पर जाके कॉन्टैक्ट करके उनसे देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हाँ रेफरेंस देना कैटल मार्केट कराची का नहीं भूलिएगा, ताकि आपको जो है वो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर माल मिल जाए। माशाल्लाह भाई बहुत उम्दा हुसन है। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि यार गुलाबी बछिया करनी है, लेकिन हम मैंने जैसे आप लोगों को पता ही होगा छोटे भाई हैं ना, उनका बछड़े का शौक़ है तो वो बछिया लेने नहीं देते। दो तीन साल पहले भी एक बछिया ले ली थी गुलाबी, जो है वो मंडी से ख़रीद ली थी, तो वो जो है समझ लें कि मसला बन गया था, फिर उसको सेल किया, सेल करके फिर बछड़ा ही ख़रीदना पड़ा आखिर में दो दिन पहले। ये देखें भाई माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इस बछड़ी का चश्मा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। बछियाओं में देखें यही सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, जो मज़ा आता है, जिससे कि बछिया जो भागती है उछलती है ना, वो आपका शौक़ बड़ा भरपूर कराती है। ये देखो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, आप लोगों को क्या ज़्यादा पसंद है ज़रा मुझे बताएं कमेंट करके कि बछियाएँ ज़्यादा आप लोग की प्रेफरेबल होती हैं या बछड़े। नेक्स्ट जो बछिया आ रही है ये इसका नाम मेरे ख़्याल से रानी है, जिसको अभी एक तो एक की रस्सी छूट गई है। सही माशाल्लाह से भाग रही है, अपनी जगह पर ही जाके दोबारा खड़ी हो गई वापस। देखो ये होता है जानवर फॉर्म पे ना, ऐसा सेट होता है, अपनी जगह पहचानती है, वापस जाकर वहीं खड़ी हो गई कि मेरा रैंप वॉक का मूड नहीं है अभी, मैं बाद में आपको शॉक करवाऊंगी। फ़िलहाल रानी साहिबा तैयार हैं, आप इनकी ब्यूटी विटनेस कर सकते हैं माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर करिएगा। फुटबॉल बनी हुई है माशाल्लाह से रानी, सीना देखें ना माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आदमी भी इनके सही ट्रेन है माशाल्लाह से, चलाने वाले जो है ना फौरन ब्रेक लगाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ,
माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और फुटबॉल सीने के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, भरपूर है ये भी, फुल गोल मटोल। उसका नाम मेरे जहन में आ रहा है मुटल्लो, रख देना चाहिए, जो ब्लैक या ब्राउन कलर की है। माशाल्लाह ले आओ यार, इसको भी ले आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन। रानी ज़्यादा एक्टिव है ये, क्योंकि मुटल्लो है ना, ये हैवी वेट। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए। मानी भाई जो हैं वो सिनेमैटिक शॉट्स ले रहे हैं रानी के। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, रानी विद मानी, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। चलें जी, ब्लैक ब्यूटी और वाइट नुकरा, लेकिन ये कि ये कंप्लीट ब्लैक नहीं है 100%, हल्का सा नीचे सीने पे ना इसके वाइट वाइट वो है, जिसको हम ब्लैक जेट कहते हैं ना मेरी ज़बान में, मेरी एक मैंने वो टर्म बनाई हुई है ब्लैक जेट, जो कंप्लीट ब्लैक होता है ना बिल्कुल। शाइनिंग के एतबार से तो ये भी माशाल्लाह से अच्छा है, फुल शाइन मार रहा है। नीचे से जो है ना वो वाइट आ रहा है और हल्का सा ब्राउन शेड में भी है। खूबसूरत मशरा माशाल्लाह, ये नुकरा ब्यूटी आ रही माशाल्लाह से। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें इनकी बैक बात सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बछड़ा इनका आया है जो यानी जायंट कैटेगरी या बड़ी कैटेगरी, हाइट वाले, फुल हाइट वाले बछड़े जो होते हैं ना, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है उस हिसाब से ये बछड़ा जो है वो मुझे गिर और ब्राह्मण ब्रीड के मिक्सचर में लग रहा है। इसका जो माथा, जो फेस है ना, गिर नस्ल अगर आप लोग सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, इंडिया की नस्ल होती है और दूध के एतबार से और गोश्त के एतबार से मेरे ख्याल से ज़्यादा मशहूर है वो, और ब्राह्मण जैसा उसमें सिमिलैरिटी होती है, और मतलब इसके जो हाइट है, कोहान है, टांगे वगैरह देख के उससे भी आइडिया हो रहा है कि इसमें ब्राह्मण की भी मिक्सिंग है और गिर की भी लग रही है। बाकी हाइट वाला बछड़ा है माशाल्लाह। ये जो है वो देसी है या साहिवाल है, इस टाइप की ब्रीड है, और लेकिन ये भी फुल साइज़ बछड़ा है, लेकिन आप उसकी हाइट का, इन दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं कि कितना यानी कि फ़र्क होता है। ब्राह्मण का अगर हल्की सी भी ब्राह्मण की मिक्सिंग आ जाए किसी जानवर में तो वो अपनी हाइट कहाँ पहुँचाता है। सामने है आपके माशाल्लाह से, मानी भाई से ऊपर जा रहा है तकरीबन, देखे ना आप, मानी भाई से भी ऊपर इसका कद जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन हमारी यहाँ अनफॉर्चुनेटली ब्राह्मण की ब्रीडिंग के ऊपर बहुत कम काम हो रहा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से ब्राह्मण ब्रीड की जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है, उस वजह से फिर वो हर बंदे के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। अमेरिकन ब्रीड है, इंडियन अमेरिकन ब्रीड है बेसिकली। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह भाई बेहतरीन। बछियाएँ भी हैं गुलाबी के अंदर, वो भी दिखाता हूँ उस तरफ का खाता भी। माशाल्लाह ये बछड़ा भी बहुत खूबसूरत है गुलाबी नाक में, ये भी है। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखते रहिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के हवाले से एक बात मैं बताता चलूं कि बहुत सारे दोस्तों ने जो है ना वो सब्सक्राइब तो किया हुआ है बट बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ। ये रानी है बछिया जो इनकी, हाँ सब्सक्राइब का मैं ये बता रहा था कि बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ। फिर मुझसे बहुत सारे मेरे फैंस मिलते हैं, कभी मंडी में, कभी इधर उधर फार्म वगैरह पे, डेल्फा में कितने फैंस मिले और कह रहे हैं कि जो है आपकी वीडियोस नहीं आ रही,
उनको जब मैंने चैनल खोल के दिखाया कि मैं तो वीडियोस तकरीबन डेली डाल रहा हूँ, नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक वीडियो तो मैं डालता ही हूँ सैटरडे या संडे को, तो फिर उन्होंने बोला हमारे पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं। तो फिर उनको मैंने बताया कि आपने बेल आइकन प्रेस ही नहीं किया हुआ जब भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही। मंडी में फिर क्या है कि आगे जाके आने वाले हैं लाइव सेशंस, कोशिश रहेगी कि डेली लाइव सेशन करें जितना यानी कि हो सकेगा। फिर दोस्त बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आई या मुझे अभी नोटिफिकेशन मिली है, उसके लिए क्या होता है कि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ। तो फिर बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी सेटिंग्स में जाके उसकी ऑल पर आप क्लिक कर देंगे जब, तो आपको हर हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कैटल मार्केट कराची और दूसरा मेरा चैनल है पाकिस्तान मीडिया टुडे, इन दोनों को सब्सक्राइब भी कर लें और काइंडली बेल आइकन भी प्रेस कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह गुलाबी ब्यूटीज़ अभी ये खोल के बाहर लेके जा रहे हैं, 6 की 6 जा रही हैं बाहर, और इन सब की एक साथ जो है वो आपको रनिंग और वॉक वगैरह दिखाते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। सारा गुलाबी आइटम एक साथ जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सबसे अच्छी खूबसूरती है फेस ब्यूटी में। चलो भाई, छोटी छोटी सी तितलियाँ लग रही हैं माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी, क्या बात है। आप रुक जाए ना, एक साथ सब आराम आराम चला के लाना, भगवाना ले आराम से चला, रुक गई चलो भाई, अकेले पास ले थी कोई ना पहले वाली, चलो भाई आराम से आ जाओ, चलो चलो भाई, सारी तो आ भी नहीं रही है फ्रेम में। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, गुलाबी बच्चियों का भरपूर कलेक्शन, बेहतरीन भाई, माशाल्लाह के कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। फ्रंट से थोड़ा सा वाइड एंगल आपको दिखा दूं सारा कलेक्शन ताकि आपको नज़र आ जाए, माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा इनमें जो मुझे अच्छी लग रही है वो ये वाली, क्योंकि चश्मा प्रिंट, तो बस इसको तो देखते ही मेरा जो है ना वो जिसको कहते हैं ना दिल ललचाने लगता है, क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी सी मुन्नी सी बच्ची है माशाल्लाह, कितनी प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारी खूबसूरत हैं एक से बढ़कर एक है माशाल्लाह। क्यों भाई, सीज़न की पहली वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हौसला अफजाई होती है, फिर और दिल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए कंटेंट बनाने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक एक करके देखने में अलग ही मज़ा है ग्रुप में। ये देखो ये आ रही है ना, एक एक रॉकेट एक साथ फायर हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, भरपूर आज तो जो है वो मज़ा आ गया, अल्लाह ताला इनको सेहत दे तमाम बच्चियों को। चलें जी, इनका बाकी का सारा आपको कलेक्शन दिखा के ना वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। माशाल्लाह, तकरीबन सारे बछड़े दिखा चुके हैं, ये वाला बाहर नहीं निकला था मेरे ख्याल से, ये मैंने नहीं दिखाया, इसको ज़रा अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, देखें माशाल्लाह। माशाल्लाह, एक ये बछड़ा भी इनका बहुत ही खूबसूरत है और यानी कि मशहूर भी हुआ है, वाकईतन वजूद रखता है, मेहनत है, पलाई है, सीने पे नाफ झालर वगैरह देख सकते हैं आप, इसकी झालर देखें, नाफा देखें, माशाल्लाह से खूबसूरत अच्छा बछड़ा है, शाइन वाला बछड़ा है। माशाल्लाह, रानी को फिर से खुलवा लिया मानी भाई ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में इस बछड़े की और ये रानी की दोनों की जोड़ी है, जोड़ी की एक लास्ट फुटेज बना रहे हैं, उसके बाद एंड करेंगे वीडियो को। चलें जी, इसको एक बार फिर आपको दिखाता हूँ इस बछड़े को मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह,
माशाल्लाह भाई माशाल्लाह भाई बेहतरीन। माशाल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह। मानी भाई जो है वो स्लो मोशन से बना रहे हैं भाई, सिनेमैटिक फुल बेहतरीन कंटेंट आने वाला है मानी भाई के चैनल पर। रानी और राजा के ऊपर आज अपना व्लॉग एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा, और सब्सक्राइब के हवाले से जो आपको मैंने बताया कि बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आपकी कोई भी वीडियो सीज़न की मिस नहीं हो। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।